देश में दी गई कोविड-19 वैक्सीन की 34 करोड़ से अधिक डोज, राज्यों को जल्द मिलेंगी 44.9 लाख खुराक। भारतीय सेना को आज मिले 12 स्वदेशी ब्रिजिंग सिस्टम, सीमा पर हर बाधा से लड़ने में होंगे मददगार। देश में 4 लाख के पार पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा, एक दिन में 46,000 से ज्यादा केस। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में मध्य प्रदेश ने हासिल की उपलब्धि, जमुई ग्राम पंचायत में 100% वैक्सीनेशन। यूपी में नवनियुक्त डीजीपी मुकुल गोयल ने संभाला कार्यभार, बोले लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाना ही हमारी प्राथमिकता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में शासन गृह विभाग मंत्रालय के आदेश पर 42 जिलों में महिला थानों की स्थापना की गई है। इस कड़ी में गुना जिले को भी महिला थाने की सौगात मिली है। इस थाने का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने किया। बता दें कि गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में स्थापित किए गए महिला थाने की कमान निरीक्षक मनीषा राठौर को सौंपी गई है। जिले में नवीन स्थापित किए गए महिला थाने को टेलीफोन नंबर भी आवंटित किया गया है, जिस पर महिलाएं किसी भी समय अपनी शिकायत बता सकती हैं, साथ ही किसी भी समय महिला पुलिस की मदद ले सकती हैं। राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए महिला थाने एवं मानवरोधी इकाई की स्थापना विभिन्न जिलों में की है। गुना जिले का सौभाग्य है कि एक महिला थाना और मानव तस्करी रोधी इकाई गुना जिले को प्राप्त हुई है। महिला थाना स्वीकृत किया गया है गुना जिले के लिए, और हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे डीजीपी महोदय द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तारतम्य में गुना जिले में महिला थाना स्थापित किया जा रहा है, जो कि पुलिस पेट्रोल पंप के एजे के पीछे, एजे के थाने के समीप जो बिल्डिंग सीबीआई की जांच पर भी भरोसा है या नहीं। उनका कोई भरोसा नहीं है, कल जाकर कहीं सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर ही सवाल उठाने लगे। आइए सुनते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। सीबीआई पे उन्हें भरोसा है कि नहीं, कल को कोई रिपोर्ट आएगी तो कहते हैं कि सीबीआई तो राजनीतिक हिसाब से काम कर रही है, भाजपा के हिसाब से काम कर रही है। राजी अस्पताल में नहीं जाना, खाद्यान्न वितरण पर ट्वीट करना और खाद्यान्न वितरण में नहीं जाना, अजीब सा राजनीतिक केंद्र चल रहा है ये कांग्रेस के अंदर, अजीब सी राजनीति सरगर्म, सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करते हैं। वहीं सीहोर में बीते दिनों से सिद्धिगंज, खचरोद एवं अन्य ग्रामों को जोड़ती सड़क के निर्माण कार्य न होने से ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान तमाम अधिकारी थाना धरना स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद लोगों को ये आश्वासन दिया कि जल्द ही सड़क का निर्माण पूरा कराया जाएगा। वहीं अब देखना ये है कि क्या प्रशासनिक अमला अपने वादे पर खरा उतरता है या दोबारा निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों को धरना या उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ेगा। गुना के बीनागंज वन परिक्षेत्र अंतर्गत वन परिक्षेत्राधिकारी सौरभ द्विवेदी के नेतृत्व में विशेष सूचना के आधार पर अमले ने दो बड़ी कार्यवाहियों को अंजाम दिया है, जिसमें पहली कार्यवाही रात करीब 2 बजे हुई, जहां वन क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी भरते हुए 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। साथ ही दूसरी बड़ी कार्यवाही में पुलिस ने जंगल में शिकार करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में रेंजर सौरभ द्विवेदी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। साथ ही आरोपियों के खिलाफ वन परिक्षेत्र के तहत अवैध कारनामों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं हरदा जिले में कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिला थाने का उद्घाटन किया। मंत्री पटेल ऑनलाइन वर्चुअल कार्यक्रम में भोपाल से सम्मिलित हुए। इस दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि अब हमारी बहनों की सुरक्षा हमारी बहनों के हाथों में होगी।
जिले में पुलिस विभाग के अंतर्गत 25 अधिकारी तैनात हैं, जो स्थानीय पर अपनी सेवाएं देकर जिले में मातृशक्ति बहनों और बेटियों को त्वरित कार्रवाई कर न्याय दिलाएंगी। बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश में 42 महिला थानों के लिए राज्य शासन द्वारा 18 जून 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब संपूर्ण प्रदेश में महिला थानों का शुभारंभ हो चुका है, साथ ही यहां CCTNS का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। वहीं इंदौर शहर में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। इसी को लेकर नगर निगम का अमला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र स्थित दरगाह के सामने अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचा, और इससे पहले कि नगर निगम अपना काम शुरू करता, इलाके के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल के रहते कोई विवादित स्थिति नहीं बनी। जानकारी के मुताबिक अवैध निर्माण को तोड़ने की सूचना पहले ही प्रशासन द्वारा दे दी गई थी। ग्रीन बेल्ट में अनावश्यक रूप से अनाधिकृत रूप से लोगों ने कोई कब्जा किया हुआ है, तो ग्रीन बेल्ट पूरी तरीके से डेवलप की गई है पेड़ पौधे और बाकी सभी चीज़ों के लिए, तो वो उसी प्रकार से चले। इसके लिए हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार करते रहेंगे। इसी क्रम में दशहरा मैदान के पास इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में नवदंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि दंपति ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक शाम को दोनों ने अपना सुसाइड नोट दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट भी किया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। न्यू गोविंद नगर में एक लड़का है जगमोहन पटेल, 26 वर्ष उसकी उम्र है, और उसकी पत्नी है 21 वर्षीय नंदिनी माली। ये दोनों सिरोंज के रहने वाले हैं। लड़की वार्ड नंबर 20 सिरोंज में रहती है, और लड़का आसपास कोई गांव है गरेटा, वहाँ का रहने वाला। जो अभी प्रथम दृष्टया जानकारी मिली, उसके हिसाब से इन लोगों ने लव मैरिज करी थी करीब 1-2 साल पूर्व। फिर यहाँ ये रहता था गोविंद नगर में किराए से, 3 महीने से रह रहा था यहाँ पर। इसके पूर्व कहाँ रहा ये जानकारी नहीं। महारानी रोड पर किसी इलेक्ट्रिक की दुकान पर काम करता था, ऐसा उसके ताऊ के लड़के का कहना है। पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पे कभी अभी विवाद भी होता था, ऐसा मोहल्ले वाले का कहना। आज उसने आत्महत्या करने के पहले एक जो सुसाइड नोट होता है, वो एक सुसाइड नोट लिख के अपने गांव के एक ग्रुप में डाल दिया। सिरोंज के किसी ग्रुप से जुड़ा होगा वो, उसमें डाल दिया कि ऐसा ऐसा हम आत्महत्या कर रहे हैं। तो गाँव वालों ने पढ़ा तो वायरल हो गया गाँव में, तो उन लोगों ने फिर यहाँ पर जो उनके परिचित लोग थे उनको बताया, तो उन लोगों ने आके मोहल्ले में बताया। तो मोहल्ले में लोगों ने देखा तो दरवाज़ा पीछे जहाँ किराए से रहते उसके पीछे, उस घर में कोई दूसरा नहीं रहता, तो अंदर गली सी गई, अंदर एक कमरा छोटा सा, वो इनका नहीं है, खाली है वो उसमें। वहीं देवास जिले के नेमावर में आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या राजनीतिक रूप लेती जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या व बलात्कार करके उन्हें दफनाया गया है। इसी कड़ी में भारतीय युवा कांग्रेस ने कमिश्नर कार्यालय पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस घटना में राजनीतिक दबाव के चलते इस घटना को दबाने का काम किया जा रहा है। युवा कांग्रेस ने मांग की है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, साथ ही CBI जाँच भी की जाए, ताकि इस मामले से जुड़े और भी तथ्य सामने आ सकें और पीड़ित परिवार को सुरक्षा और सहायता राशि जल्द से जल्द मिल सके। पिछले कुछ दिनों पहले देवास के नेमावर क्षेत्र में एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, जिसमें 5 परिवार के सदस्यों को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके संबंध में पीड़ित परिवार की बड़ी बहन ने 17 मई को थाने में शिकायत की थी, और उक्त शिकायत के संबंध में प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगभग 1.5 महीना इस मामले में निकल गया, उसके पश्चात सामाजिक संगठनों के द्वारा निरंतर कोशिश करने के पश्चात प्रशासन ने कार्रवाई की, और कार्रवाई के रूप में यहाँ सामने आया कि उनको निर्ममता से मौत के घाट उतारा गया, और उसके पश्चात उन्हें खेत में ही गाड़ दिया गया था। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहनवाज सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहनवाज, ये क्या मामला है जिसका राजनीतिकरण हो रहा है? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये दबाव के चलते इसकी सही तरीके से जाँच नहीं हो पा रही है, क्या कुछ मामला है? मामला देवास जिले के नेमावर में आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की जो जघन्य हत्याकांड हुआ, जो दिल दहला देने वाली घटना हुई है, कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की घोर लापरवाही भी सामने आती है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ये भी आरोप लगाया है कि जिनकी हत्याएं हुई कहीं ना कहीं उनसे बलात्कार करने के बाद उन्हें दफनाया गया है। इस मामले के पीछे राजनीति में
बड़ी गर्मी पकड़ ली है और कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। आज ही कांग्रेस के नेता जावेद खान का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जाए इस चीज की मांग की है और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाए ये भी कहा है। ऐसे में परिवार की तरफ से क्या कुछ बयान आया, उनका क्या कुछ कहना है? परिवारजनों का यही कहना है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं 17 तारीख को जिस दिन ये घटना हुई थी उन्होंने शिकायत की थी, पुलिस की लापरवाही के चलते इतना बड़ा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं इंदौर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए एसपी सीएसपी और थाना प्रभारियों ने बैठक की। आईजी ने संभाग के सभी डीआईजी और एसपी रेंज के अधिकारियों की बैठक में कड़े निर्देश दिए कि अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाई जाए। इधर शहर में बढ़ रहे क्राइम रेट को लेकर इंदौर पूर्व क्षेत्र के एसपी आशुतोष बागड़ी के मुताबिक पिछले एक महीने में एक दर्जन से ज्यादा चोरी, नकबजनी, चैन स्नैचिंग और हत्या के मामले सामने आए हैं। इनमें कुछ ऐसे स्थान शामिल हैं जहां पर लगातार पुलिस की गश्त होती रहती है, इसके बावजूद भी उन क्षेत्रों में हत्या हुई जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। वहीं अब एक और खबर हम आपको बता दें, तमाम तरह की खबरें सामने निकल कर आई हैं लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये वाकई में हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है, लेकिन क्या खबर है वो पहले आप इन विजुअल्स को देखकर समझिए। तो ये खबर इंदौर से है जहां पर कांग्रेस सचिव ने पैसों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर पर गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस सचिव ने पैसों की वसूली का आरोप लगाया है। ये मामला इंदौर का है। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर पर गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस सचिव ने पैसों की वसूली का आरोप लगाया है। फिलहाल रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।